Welcome to all of you. Open-ended spinning का concept हम लोगों ने जो है discuss किया था previous lecture में. मैं समझता हूँ कि आपको जो है open-ended spinning का concept समझ में आ गया होगा. Open-ended spinning में हमारी कई spinning आती हैं. Rotary spinning जिसको हम लोग जो है discuss कर चुके हैं. Electrostatic spinning, friction spinning, disc spinning, air vortex spinning. आज हम लोग जो है इस लेक्चर में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग को डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग हमारी कैसे वर्क करती है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हम देख लेते हैं. द इलेक्ट्रो स्पिन कॉर्पोरेशन यूएसए डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन एक्सपेरिमेंटल स्पिनिंग मशीन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द 1971 इटमा इन पेरिस. पेरिस में जो है 1971 में जो इटमा लगा था उसमें जो है ये मशीन एक्सपेरिमेंटल मशीन जो है प्रदर्शित की गई थी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे कंसेप्ट पे जो है वर्क करती है. आइए इसके प्रिंसिपल को समझते हैं. ऑपरेटिंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने से पहले एक बार फिगर को हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं जिससे कि आपको काफी आसानी होगी. यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारी जो है रोविंग बॉबिन है जो स्पीड फ्रेम जिसको आप सिंप्लेक्स फ्लाई फ्रेम या अदर नामों से भी जानते हैं, स्पीड फ्रेम भी कहते हैं. स्पीड फ्रेम हमारी रोविंग बॉबिन है जो जनरली रिंग फ्रेम में हम लोग इसको यूज करते हैं. वही बॉबिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टेटिक स्पिनिंग में भी हम लोग जो है वही बॉबिन रोविंग यूज करते हैं. ये रोविंग पैकेज है, रोविंग पैकेज से हमारा रोविंग जो है डिलीवर होगा. रोविंग को हम गाइड रोलर हैं, ये दोनों गाइड रोलर हैं. गाइड रोलर के माध्यम से ड्राफ्टिंग यूनिट में ले जाते हैं. ये आप जो ड्राफ्टिंग यूनिट देख रहे हैं ये लाइक दैट रिंग फ्रेम, रिंग फ्रेम की तरह ये हमारे कन्वेंशनल स्पिनिंग रिंग फ्रेम की तरह ये हमारी ड्राफ्टिंग 3/3 ड्राफ्टिंग सिस्टम है. ये हमारा फ्रंट रोलर है, मिडिल रोलर, बैक रोलर. ये हमारी एप्रन लगी हुई है. फ्रंट रोलर से फाइबर जो है ड्राफ्ट होकर के आगे फॉरवर्ड होता है. ये हमारा ट्विस्टिंग यूनिट है, ट्विस्टिंग यूनिट जो है रोटेट करता है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिंग फ्रेम की में स्पिंडल होता है जिसपे यार्न जो है ट्विस्ट होता है और वाइंडिंग होती है. लेकिन यहाँ पे जो है हमारा स्पिंडल नहीं है, एक ट्विस्टिंग यूनिट है. यानी ये सरफेस कॉन्टेक्ट से यार्न को जो है कैसे ट्विस्ट करेगा, सरफेस कॉन्टेक्ट से जो है ट्विस्टिंग यूनिट जो है ट्विस्ट प्रोवाइड करता है. ये हमारा जो है आगे जो रोलर लगे हैं यार्न जो है आगे जो है टेकअप किया जाएगा और यहाँ पे वाइंडिंग पैकेज पे जो है वाइंडिंग हो जाती है यार्न की. प्रोसीजर को हम समझते हैं. ये हमारा फ्रंट रोलर है, ये हमारा ट्विस्टिंग यूनिट है. इसी के बीच में जो हमारे फाइबर जो डिलीवर होते हैं इसी के बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड जो है हाई वोल्टेज की जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है फील्ड होती है. अब ये कैसे वर्क करती है आइए कंसेप्ट को प्रोसेस को हम समझते हैं. द प्रोसेस बेस्ड ऑन द बैटले प्रिंसिपल, ये हमारा जो प्रोसेस है ये बैटले प्रिंसिपल पे जो है बेस्ड है. शोन इन द फिगर, जो फिगर आपको हमने डिस्कस किया उसमें दिखाया गया. ए रोविंग टू टेकन फ्रॉम रोविंग फ्रेम इज पास टू ए कन्वेंशनल डबल एप्रॉन ड्राफ्टिंग अरेंजमेंट 3. जो रोविंग पैकेज हमने लिया है रोविंग बॉबिन का उससे जो है रोविंग निकल करके कन्वेंशनल ड्राफ्टिंग यूनिट में हमारी जो है रोविंग इंटर करती है. एंड इज सब्जेक्टेड टू ए ड्राफ्ट ऑफ अप टू 80 फोल्ड, और यहाँ पे जनरली जो है जो ड्राफ्ट लगता है वो 80 के अराउंड लगता है. द फाइबर एग्जिट फ्रीली फ्रॉम फ्रंट रोलर फ्रंट सिलेंडर, और ड्राफ्टिंग आफ्टर ड्राफ्टिंग जो है फाइबर फ्रंट रोलर से जो है बाहर डिलीवर होते हैं. दे मस्ट देन बी कलेक्टेड टू ए फॉर्म ऑफ फाइबर स्टैंड एंड ट्विस्टिंग टू फॉर्म ए यार्न. ये जो है फाइबर हमारे फ्रंट रोलर से डिलीवर होते हैं और ट्विस्टिंग यूनिट में इंटर करके और फाइबर हमारे ट्विस्ट होकर के यार्न फॉर्मेशन करते हैं. द फर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड. द फर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड. जैसे ही हमारा फाइबर फ्रंट रोलर से
डिलीवर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो है इंटर करता है। ए ड्राफ्टिंग फील्ड एंड ट्विस्टिंग इज कैरिड आउट इन ए ट्विस्ट इम्पार्टिंग यूनिट 6 एंड ट्विस्टिंग इज कैरिड आउट इन ए ट्विस्ट इम्पार्टिंग यूनिट 6। और जो ट्विस्टिंग है वो हमारी जो ट्विस्टिंग यूनिट जो यहाँ पे आप 6 जो है 0.6 देख रहे हैं ये हमारी ट्विस्टिंग यूनिट है। और जो यार्न में जो ट्विस्ट जो इंसर्ट की जाती है इसी ट्विस्टिंग यूनिट के माध्यम से जो है यार्न में ट्विस्ट जो है इंसर्ट की जाती है। जो आप ट्विस्टिंग यूनिट ये देख रहे हैं ये रोटेट करता है और यार्न जो है इस सरफेस कॉन्टेक्ट यार्न जो है सरफेस कॉन्टेक्ट से जो है इसमें ट्विस्ट इंसर्ट होती है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेटेड बिटवीन द फ्रंट रोलर एंड ट्विस्ट एलिमेंट 6। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो फ्रंट रोलर और हमारा जो है ट्विस्टिंग एलिमेंट 6 है इन दोनों के बीच में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है। बाय अर्थिंग द फ्रंट रोलर एंड अप्लाई ए हाई वोल्टेज 30,000 to 35,000 volt to the twist element। यहाँ पे आप देख रहे हैं काफी हाई वोल्टेज जो है अप्लाई किया जाता है फ्रंट रोलर और ट्विस्टिंग एलिमेंट के बीच में जो है काफी हाई वोल्टेज 30,000 to 35,000 वोल्टेज जो है अप्लाई किया जाता है। इसका क्या इफेक्ट होता है फाइबर पे आइए हम आगे देखते हैं। फील्ड एक्सेलरेटेड द फाइबर जो हाई वोल्टेज फील्ड है ये क्या करती है फाइबर को एक्सेलरेट करती है फाइबर हमारा जो है आगे की तरफ तेजी से जो है बढ़ता है। द फाइबर आर गाइड देम टुवर्ड्स द यार्न एंड 5 और फाइबर हमारे यार्न एंड्स 5 जो ये हमारा आप ये देख रहे हैं जो ट्विस्टिंग एलिमेंट है इससे जो यार्न आ रहा है इसका जो ओपन एंड है जो फाइबर का फ्री एंड है वो ये 5 है जिसमें ये जो हाई इलेक्ट्रिक वोल्ट हाई वोल्टेज की वजह से फाइबर पे जो एक्शन होता है आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो इस फाइबर ओपन एंड 5 के साथ जो है ट्विस्ट होते जाते हैं। आइए देखते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है फाइबर पे। व्हेन द फाइबर एंटर दिस फील्ड दे टेक अप चार्ज्ड। अब यहाँ पे क्या एक्शन हुआ फाइबर पे फाइबर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया वो क्या हो गया चार्ज्ड हो गया फाइबर चार्ज्ड हो गया एंड फॉर्म डाइपोल और जो है फाइबर फाइबर का वन एंड करेक्ट फाइबर डाइपोल एक जो है ये डाइपोल जो है क्रिएट फाइबर पे जो है डाइपोल क्रिएट हो जाता है दैट इज वन बिकम्स पॉजिटिव यानी फाइबर का एक एंड पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिवली चार्ज्ड और दूसरा एंड जो है फाइबर का नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करता है। ए ओपन यार्न एंड प्रोजेक्ट फ्रॉम द ट्विस्ट एलिमेंट इनटू द फील्ड फाइबर का जो फ्री एंड है ये फ्रंट रोलर की तरफ अट्रैक्ट होता है और फ्रंट रोलर से जो फाइबर निकलते हैं वो इस यार्न की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यार्न एक्चुअली जो है रोटेट कर रहा है इसलिए फाइबर जो फ्रंट रोलर से निकलते हैं वो डाइपोल क्रिएट होने की वजह से स्ट्रेट होते जाते हैं फाइबर स्ट्रेट होते जाते हैं और यार्न एंड में जो है ट्विस्ट होते जाते हैं। फाइबर लिविंग द फ्रंट रोलर आर चार्ज्ड एंड एक्सेलरेटेड टू ज्वाइन कंटिन्यूसली टू द यार्न सिंस द यार्न रोटेट फाइबर आर बाउंड इन ए यार्न इज फॉर्म्ड कंटिन्यूसली एंड इज विड्रॉन बाय द विड्रॉल रोलर 8। यार्न फ्री एंड में फाइबर जो है ट्विस्ट होते जाते हैं और फाइबर हमारे ट्विस्ट कंटिन्यूसली यार्न में जो है ट्विस्ट इंसर्ट हो रहा है और ट्विस्टेड यार्न विड्रॉल रोलर के माध्यम से जो है बाहर जो है टेकअप कर लिया जाता है और विड्रॉल रोलर से जो है आगे विड्रॉल होकर के जो है हमारे यार्न जो है टू बी पास्ड टू ए टेकअप डिवाइस 9। इस टेकअप डिवाइस में जो है वाइंडिंग हमारी वाइंडिंग यूनिट है यहाँ पे है जो है यार्न जो है वाइंड अप कर लिया जाता है फॉर वाइंडिंग ऑन ए क्रॉस वाउंड पैकेज। यहाँ पे जो है धागा जो निकल रहा है वो क्रॉस वाउंड पैकेज जो है फॉर्म कर लिया जाता है। मशीन का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे। स्पिनिंग पोजीशन पर मशीन यानी इटमा 1971 में जो मशीन जो है
प्रदर्शित की गई थी उसमें जो है हमारे एक एक एक्सपेरिमेंटल मशीन के रूप में थी। उसमें 20 जो है हेड्स थे, डिलीवरी पोजीशन पर मशीन 20 हेड्स, डिलीवरी स्पीड अप टू 40 मीटर पर मिनट, रॉ मटेरियल कॉटन, काउंट रेंज 20 to 40, फॉर्म ऑफ फीड स्टॉक रोविंग, आपने जैसे देखा कि रोविंग हम यहाँ फीडिंग में हम रोविंग यूज करते हैं, टाइप ऑफ यार्न कन्वेंशनल, सिंगल यार्न प्रोड्यूस होता है, कन्वेंशनल इट मींस लाइक दैट रिंग फ्रेम, यार्न कैरेक्टरिस्टिक गुड यार्न क्वालिटी एट लो प्रोडक्शन स्पीड, प्रोडक्शन स्पीड कम होती है, रिंग स्पन यार्न कैरेक्टर, और जो यार्न की कैरेक्टरिस्टिक है लाइक दैट रिंग स्पिन, रिंग फ्रेम की यार्न की तरह होती है, स्पेशल फीचर यार्न क्वालिटी हेवली डिपेंड्स अपॉन एम्बिएंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यार्न की जो क्वालिटी है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे बहुत कुछ डिपेंड करती है। लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग की कुछ लिमिटेशन है, आइए देखते हैं क्या लिमिटेशन है। द मशीन नीड्स टू एयर कंडीशन, मशीन जो है मशीन को परफॉर्म करने के लिए एयर कंडीशन की जरूरत पड़ती है। शॉर्ट फाइबर बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम लॉन्ग फाइबर, ये जो शॉर्ट फाइबर है मशीन, एक्चुअली हम कॉटन जो स्टेपल फाइबर यूज करते हैं इसमें हमारे शॉर्ट फाइबर लॉन्ग फाइबर दोनों ही होते हैं, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एंटर करने के बाद शॉर्ट फाइबर का और लॉन्ग फाइबर का बिहेवियर जो है दोनों का डिफरेंट हो जाता है, जिससे हमारी यार्न पे इफेक्ट, क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ओनली फाइन यार्न कैन बी प्रोड्यूस, इस प्रोसेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग से हम केवल फाइन यार्न, फाइन काउंट जो है केवल प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिमिट ऑन प्रोडक्शन रेट, हमारी जो है प्रोडक्शन स्पीड, डिलीवरी स्पीड कम होती है इस मशीन में, इसलिए जो है प्रोडक्शन जो है इस मशीन का जनरली कम होता है। ड्यू टू दिस प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग हैज नो चांस ऑफ बीइंग यूज्ड इन स्पिनिंग मिल, कह रहा है कि ये कुछ सर्टेन लिमिटेशन की वजह से हम जनरली इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक ओपन एंड मशीन का जो है जनरली हम कमर्शियल रूप से जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। होप सो कि आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग को जो है इसके प्रिंसिपल को, ऑपरेशन को जो है अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। थैंक यू।